हाय गाइस, मैं हूं दिव्यांश। आज सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फिलिप्स कंपनी तरफ से आते हैं ईयरबड्स की, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। और जो ईयरबड्स का सेगमेंट है काफी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो फिलिप्स ने भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। देखते हैं किसी क्वालिटी किसी का साउंड हमको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ईयरबड्स में। और उससे पहले गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। चलो इसके अनबॉक्सिंग हम लोग शुरू करते हैं। चलो बॉक्स का ओवरव्यू लेते, तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है फिलिप्स इन ईयर 1000 सीरीज के ईयरबड्स हैं, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं ये। साइड में आपको हाईलाइट पॉइंट्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन 5.0 इसमें यूज़ किया है। 3+9 आवर्स का प्लेबैक आपको देखने को मिल जाता है। कम्फर्ट फिट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। माइक भी जो है इसके अंदर इनबिल्ट है। इसके अलावा प्राइसिंग जो इस पर दी गई वो है 6000 रुपीज़, बट ओरिजिनल प्राइसिंग बहुत कम है और वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। बट फिलहाल हम लोग जो है कंटेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे कि क्या कुछ इन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया है, तो फटाफट से मैं जो इसको अनबॉक्स करता हूँ। चलिए गाइस, अनबॉक्सिंग हो चुकी है और हम लोग फ्रॉड से कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो आपको टॉप पे देखने को मिल जाती है इसकी गाइड, जो आपको इन्फॉर्म कर देती है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सारी जो डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर गाइड में आपको देखने को मिल जाएगी ईयरबड्स से रिलेटेड। और जो दो पेपर वर्क आपको यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से एक जो है यहाँ पे आपको यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड गारंटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इनकी तरफ से। तो इसमें जो है कस्टमर केयर की वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, इनसे किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है इनकेस कोई भी इशूज़ आते हैं ईयरबड्स को लेकर। एक और पेपर वर्क आपको देखने को मिलता है, और ये पेपर वर्क मुझे समझ में नहीं आया क्यों प्रोवाइड किया है इन लोगों ने। काफ़ी सारा जो है इन लोगों ने पेपर इन लोगों ने वेस्ट किया है इसमें, बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब जो हम लोग मेन कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग डॉक। और इसके अलावा इसमें एक छोटा सा एक और आपको जो है पॉली बैग में जो है कुछ दिया हुआ है कंटेंट, वो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कुछ इन लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं लार्ज और मीडियम साइज़ के, ताकि अगर इन केस अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं डिफरेंट ईयर टिप के हिसाब से। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है चार्जिंग केबल, जो कि इन लोगों ने नॉर्मल चार्जिंग यूएसबी टाइप केबल ने जो इन्होंने प्रोवाइड की है। अब जो हम लोग फटाफट से इसमें जो और कंटेंट हैं उनको चेक कर लेते, तो ये हैं भैया हमारे ईयरबड्स बेसिकली, और दिखने में काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। बट हम लोग डॉक को एक बार क्लोजली देख लेते हैं। तो फिलिप्स की ब्रांडिंग की हुई है डॉक पे, मैट फिनिश में ये कम्प्लीटली हैं, और आप देख सकते हैं कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है। फ्रंट में जो है लाइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि बेटर इंडिकेशन है डॉक का कितने चार्ज हैं। तो 25, 50, 75 और 100 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अंदर की तरफ आपको मैग्नेट्स नज़र आ रहे होंगे जहाँ से चार्ज होते हैं, तो ये जो है इस तरह से ईयरबड्स इसमें चले जाते हैं और आपकी चार्जिंग जो है ईयरबड्स पर शुरू हो जाती है। आप लाइट देख सकते हैं, छोटी सी लाइट आपको दिख रही होगी, तो ये चार्जिंग मोड में चले गए हैं। अगर हम लोग देखें इसको तो पीछे की तरफ आपको जो है पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा छोटा सा क्यूट सा ये डॉक है इसका, और फिलिप्स की ब्रांडिंग के लिए टॉप पे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और बिल्ड काफ़ी सॉलिड आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें ईयरबड्स की, तो हम लोग इसको भी क्लोजली देख लेते हैं। तो क्लोजली आप देखेंगे तो आपको ईयरबड्स पे देखने को मिल जाता है फिलिप्स का लोगो, और ये जो है बटन वाले हैं और बटन का फीडबैक काफ़ी स्मूथ है यहाँ पे, और लेफ्ट राइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इन ईयर टाइप के हैं, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, ब्लैक कलर किया हुआ है और जो कि थोड़ा सा शाइनी टाइप में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो लाइट इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है ईयरबड्स पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और माइक भी आपको इसमें एक छोटा सा देखने को मिल जाता है। फटाफट हम लोग कनेक्ट वगैरह करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में आगे। करते हैं ईयरबड्स के बारे में, तो मैं तीन पॉइंट्स आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट हम लेते हैं इसके बिल्ट और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ट और डिजाइन काफी शानदार आपको देखने को मिलता है, कंप्लीटली मैट फिनिश किए गए हैं ईयरबड्स का जो डॉक चार्जिंग केस है वो काफी मैट फिनिश किया गया है, और अंदर जो ईयरबड्स रखे हैं वो भी काफी स्टाइलिश दिखते हैं इसमें। और जो डॉक की जो खास बात है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है और कैरी करना इसको बहुत ही ईजी हो जाता है। और अभी तक मैंने जितने भी ईयरबड्स
अनबॉक्स किए हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट मुझे अभी तक लगे हैं। बहुत ही छोटे से हैं, काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसका बिल्ट टू डिज़ाइन। अगर हम लोग बात करें इसके ईयरबड्स के बारे में गाइस, तो ये बहुत छोटे से हैं और इस पे जो है बटन आपको देखने को मिलता है, इसमें टच सेंसर नहीं है, बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिलिप्स का ब्रांडिंग किया हुआ है और काफ़ी शानदार है और कान के अंदर भी जो है ईजिली चले जाते हैं और फिटिंग भी जो काफ़ी अच्छी है, कहीं भी गिरने वरने कोई टेंशन नहीं आता। तो बेस्ट पार्ट ये है काफ़ी लाइट वेट है तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। चलिए गाइस हम लोग बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में गाइस। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव लगी मुझे इसकी, कहीं भी कोई भी साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, बेस और ट्रेबल्स भी काफ़ी क्लीन है। ट्रेबल्स के जो हाई लोज मिड्स होते हैं वो भी काफ़ी क्लीन और क्रिस्प हैं। और द बेस्ट पार्ट जिसमें जो लगा, मूवी वगैरह मैं इन्जॉय कर रहा था इस पर, तो मूवी में जो बैकग्राउंड इफेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी क्लीनली इसमें सुने देते हैं। तो ये भैया गेम साउंडिंग के हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट इन्होंने परफॉर्म किया है। बात करें कॉल क्वालिटी के बारे में, तो कॉल क्वालिटी भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है, कोई ऐसा इश्यूज में नहीं आएगा। बात करें हम लोग गेमिंग की, तो गेमिंग के हिसाब से भी बहुत सही है, बहुत परफेक्ट लगे मुझे। क्योंकि इसमें जो स्टीरियो इफेक्ट है आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर एनिमीज राइट से आ रहे हैं या लेफ्ट से आ रहे हैं तो आपको इसमें जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और रही बात जो गेमिंग में लैग की होती है, तो उसमें लैग आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेटेंसी में आपको देखने को मिलती है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फाइनल जो कि इसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग इसकी पड़ती है गाइस आपको 3,499 रुपीज़, और 3,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे मुझे एकदम परफेक्ट ईयरबड्स लगे हैं। फिलिप्स जैसा ब्रांड है गाइस, तो यार आप डेफिनेटली इनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं और इसने उस एक्सपेक्टेशंस पे जो है स्टैंड किया है, तो मुझे ये बहुत सही लगे हैं। इसके फीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, 12 आवर्स का प्लेबैक आपको देखने को मिल जाता है विद चार्जिंग केस, और इसके अलावा कॉम्पैक्टनेस जो है इसकी बहुत सही है, तो आपको इसे पॉकेट वगैरह में कैरी करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो इसके फीचर्स को देखते हुए मुझे बहुत सही लगे हैं, डिसेंट ईयरबड्स हैं। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसको वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। चाहते थे बस आप लोग का प्यार बढ़ते रहिएगा, तो गाइस लाइक शेयर कमेंट कर देना और आने वाले वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, स्टे ट्यून्ड रहिएगा।